अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सारी सुहेल और मैं हूं नदीम खान। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका एमिया भाई पे। तो सीज कुछ ऐसे हैं कि भाई हमारा एक दोस्त है मंसूर, उसने हमें बताया था एक जगह के बारे में, फूड पॉइंट जो कि रानी गार्डन में है। एक्चुअली कोविड की वजह से इनकी दुकान एक ही गली में 3 बार शिफ्ट हो गई, बाकी इनकी दुकान को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। और उसने हमें बताया था एक स्पेशल आइटम के बारे में। स्पेशल आइटम जो है, आपने बर्गर बहुत तरीके खाए होंगे, अजीब मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। गुप्ता का बर्गर भी खाया होगा, मैकडी और भी खाया होगा, लेकिन इनके बर्गर में ये बात है। वैसे तो ये चाइनीज चीज़ें भी रखते हैं नहीं भाई, बहुत सारी चाइनीज चीज़ें रखते हैं, लेकिन स्पेशल जो है जो हमें सबसे अच्छा लगा, हमें लगा इनका बर्गर, वो है स्टीम बर्गर। जैसे आप स्टीम मोमोज खाते हैं, स्टीम बर्गर। बाकी जो भी बात है वो आपको वीडियो दिखाते हैं, आप भी देखिए, हम खाने के बाद आपको रिव्यू देंगे। इसके भाई से बात करते हैं अब सीधा जाके। तो भाई नाम क्या आपका? भाई वसीम नाम है मेरा। और ये शॉप कहाँ पे आपकी? ये रानी गार्डन के सामने वाले रोड पे। रानी गार्डन के सामने वाले रोड पे। अच्छा, गली नंबर क्या पड़ता है? ये गली नंबर, ये मेन रोड है, रानी गार्डन न्यू लाहौर वाला। अच्छा, न्यू लाहौर वाला रोड है, मेन रोड है। अच्छा, आपकी शॉप का नाम फूड पॉइंट ही है? फूड पॉइंट। कुछ अच्छा लगता है फूड पॉइंट, नॉर्मल से नहीं हो गया? नहीं, दरअसल क्या है कि अब कुछ अलग से करने के लिए, अच्छा फिर अलग ही हो जाता है वो, सेपरेट बच्चों को लगना चाहिए फूड पॉइंट, इसलिए सिंपल नाम रखा है बच्चों के। अच्छा, तो आपको इसी लाइन में कितना टाइम हो गया शॉप को? मुझे वैसे इस लाइन में तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। अच्छा, मेरा साउथ दिल्ली में कल्याण ज्वेलर के सामने भी। अच्छा, था। सेम ही नाम नहीं था, वो कॉर्नर के नाम से ही। अच्छा, कॉर्नर के नाम से ही था। कॉर्नर के नाम से था, ये फूड पॉइंट है क्योंकि कॉर्नर मिला नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए फूड पॉइंट हो गया, वरना कॉर्नर भी हो जाता। जो स्टीम बर्गर का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? स्टीम बर्गर, स्टीम बर्गर दरअसल क्या है कि मैकडी में एक बर्गर होता है, मैक फिले बर्गर, फिश बर्गर होता है। अच्छा अच्छा, तो स्टीम की क्वालिटी क्या होती है कि उससे सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, हम लगभग फ्राई बर्गर खाते हैं, अच्छा, तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं सॉफ्ट खिला सकूं कस्टमर को, तो मैंने आइडिया निकाला कि उसको क्यों ना स्टीम किया जाए। अच्छा अच्छा, तो आप हमें एक स्टीम बर्गर खिलाए, और क्या होगा स्पेशल आइटम जो आप हमें खिला सकते हैं? चिली चाप है। अच्छा अच्छा, जो कि हाँ, ये चिली चाप, बिल्कुल। अच्छा, इसको आप कैसे करेंगे? इसको हम कट करके, अच्छा अच्छा, इसको ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, ये स्टिक होती है इसकी, इसको पूरी तरह से इसको निकाल के, इसको कट करके हम फ्राई करेंगे। ओके। और जैसे चिली पोटैटो हम सर्व करते हैं, सेम रेसिपी है, बट ये चिली चाप में आता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप हमें एक चिली चाप और एक स्टीम बर्गर। चलो तो सुबह पहले हम ये दो चीज़ ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। आजकल थोड़ा ऐसी चीज़ें बोला करो कैमरा में। ये यार अच्छी भी चाप हो गए हैं कट, और ये जाएंगे फ्राई होने। क्विक रेसिपी है, कस्टमर को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बस वो ऑर्डर करता है, 5 मिनट में उनके हाथ में रेसिपी आ जाएगी। अच्छा, अच्छा। कौन सी आलू की? मैकेन की जो आलू की आलू की जी 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 वो बना। हम उसी से ही बना रहे हैं बर्गर, कोई भी आइटम हमारा वेलकम। अच्छा, स्टीम बर्गर का अच्छा प्रोसीजर क्या है? स्टीम बर्गर का मेन प्रोसीजर, स्टीम बर्गर मेन प्रोसेस क्या है? हमें कुछ भी स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बन स्टीम करना है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें सर्व करना है कस्टमर को बर्गर, तो उसमें हम फ्राई तो कर ही रहे टिक्की। हाँ हाँ हाँ। तो हम बन को स्टीम कर लेंगे, तो हमारा पूरा बर्गर स्टीम बर्गर में आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, हमें मेन क्या करना है, हमें सिर्फ बन को स्टीम करना है। ओके, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ये हमारी चाप रेडी है। तो आप इसमें पहले स्टफिंग करोगे अंदर, मतलब टिक्की वगैरह रखोगे? कुछ भी नहीं रखेंगे, बस डायरेक्ट बन रख दोगे आप इसे? बन रख देंगे। अच्छा, तो उससे ये हमारा जो बन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर हम टेस्ट करना है, मतलब स्टीम होने का क्या होता है, पहली बार देख रहा हूँ स्टीम बर्गर। वो मुझे खाया 16 नहीं, कंपनियों में जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं लगभग सभी टोस्ट के साथ साथ स्टीम बर्गर भी रखती है। अच्छा अच्छा, हम भले ही लोकल एरिया में नहीं देख पाते हैं कि स्टीम बर्गर हमें नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां स्टीम बर्गर रखती हैं। वो स्टीम हो कम से कम कितने मिनट तक आप स्टीम करोगे? जस्ट दो मिनट स्टीम बन को ही बस सॉफ्ट। अच्छा, करना है। आप बन निकालोगे, देन उसकी पीछे टिक्की रखोगे, फिर देन ये वेजिटेबल्स डालोगे, मेयोनीज के साथ, तब सर्व करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टिक्की भी रेडी है, हमारी मकैन की टिक्की रेडी है।
भाई तैयार हो गए भाई हमारे, कैसे लग रहे तुम्हें? तुम कहाँ रहते हो बताओ पहले, मैं बता दूंगा तो रात खुल जाएगा रहने दो। नदीम भाई जरा भी चले गए थे इसलिए सिर्फ मैंने ही इसको कैप्चर किया। नदीम भाई तुम ये बताओ, कैप्चर ही छोड़ो, बनने तो देखो लजीज था, तुम वीडियो देखोगे तब देख लेना ठीक है, बनने तो बड़ा ज़बरदस्त था। ये बताओ देखने में कैसा लग रहा है तुम्हें? देखने तो बढ़िया लग रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर रखी भाई ने। अच्छा तुम्हें कोट वोट पहन के कहाँ जा रहे हो बता दो। मैं कोट वोट पहन के इनके घर गया था भाई, सब बैटरी भूल आया था कैमरे की, और कैमरे की बैटरी लो गई थी, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा और आना पड़ा फिर से, और दोबारा पहनना पड़ा। इसकी पहले स्टफिंग नहीं करना भाई, एक बार बन निकालना इसका, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है भाई, अरे स्टीम हुआ ऐसा लग रहा है टूट ना जाए। हां मैं भी कह रहा था स्टीम हुआ, ये भी स्टीम हुआ है, स्टीम ये तो इनकी टिक्की है, उसके बाद इन्होंने तंदूरी मयोनीज डाली, तंदूरी मयोनीज डाले, टमाटर है, और ये जो बन भाई बन इतना सॉफ्ट हुआ है, स्टीम होने की वजह से, स्टीम होने की वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे भाई ने कहा ना कि भाई ने दुकान जो शॉप जो खोली है सबके लिए खोली है, मतलब बच्चों के लिए सबके लिए, तो इन्होंने कहा था कि कुछ मुझे थोड़ा अच्छा अलग से दिखाना था लोग बच्चों को, ताकि सॉफ्ट सा आराम से बच्चे खा सकें, बस ज़्यादा बर्गर जो होते हैं हार्ड होते हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा लजीज है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें एक चीज़ हो रहा है, जो यंग एज है ना, जिनका जिनके बात भी ना हो, वो चाहता हूँ क्या, यही बात सेम भाई ने अभी कही है, मेरे से भाई ने कही है सेम बात अभी की, जिनकी दांत भी नहीं है ना वो भी खा सकते हैं, जिनके दांत भी नहीं है वो भी बर्गर रियलिटी में खा सकता है इंसान। टेस्ट कैसा है नदीम भाई इसका? टेस्ट भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसकी कॉस्ट क्या होती है? 30 रुपीज़ ओनली, और ये नदीम भाई थोड़े से ज्यादा थक गए यार, स्टीम बर्गर टिक्की है ना, जिस तरीके से स्टीम हुआ है उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट हो गया है, वेजी की वजह से ये क्रंची भी होगा, क्रंची प्लस बर्गर हमें सॉफ्ट मिल रहा है, और एक अलग से मुंह में घुलने वाला वो पता चलेगा, और हमें फ्रेश वेजी की क्रंचीनेस भी मिलेगी, बिकॉज क्रंची और सॉफ्ट एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। अरे बर्गर की कॉस्ट 30 रुपीज़ है तो काफ़ी वर्थ है, वर्थ है। नदीम भाई किसके बताओ रही भाई, ये भाई ने हमारे लिए बनाई है चिली चाप हमारी जो सोयाबीन से बनती है, और बिल्कुल एज इट इज नदीम भाई ऐसे बनाई जैसे चिली पनीर बनता है, ये हमारी वैसे चाप होती है, उसे हम कट करके फ्राई करते हैं, इसको क्रिस्पी करने के बाद तब हम चिली चाप बनाएंगे, A few moments later. भाई अल्फाज नहीं है क्या बोलने के लिए? अल्फाज हैं सुनो भाई, एक और ट्राई कर रहा हूँ पहले, उसका देते हैं अल्फाज भी। इसे तुम कुछ कहना नहीं चाह रहे क्या? पहले खा लूँ फिर बोल दूँ मैं, है ना? इसे थोड़ा सा टेस्ट करना, थोड़ा सा क्वाइट जैसे रोल होते हैं ना, थोड़ा सा सिमिलर से लग रहा है, रोल मतलब जो स्प्रिंग रोल्स वगैरह होते हैं। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सिमिलर से लग रहा है, क्योंकि क्रंची पैन है, बहुत ज़्यादा क्रंची है, और जो मसाला वगैरह भाई ने जो अपना टेस्ट बना रखा है इसके लिए बहुत अच्छा बना रखा है, भाई आप भी ट्राई करो एक बार, काफ़ी ट्राई करो, मैं काफ़ी टाइम हो गया ऐसा कि मैं नदीम भाई के साथ में कुछ ट्राई नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसे पकड़ने की आदत रही नहीं, आप उल्टे हाथ में दर्द हो जाता है ब्लॉगिंग करते करते, ओह नदीम भाई हाथ से खिला रहे हैं, क्रंची तो है, इसका एक टेस्ट हो रहा है उसका दिमाग में, मेरे एक नाम हो रहा है लेकिन दिमाग में बहुत एक और होता है क्या तुम्हारा, जो दिमाग में बस अच्छा है, ये बोल रहा था।
बहुत बढ़िया लग रही थी भाई, बढ़िया भाई यार कष्ट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं खुद ही खा लेता हूँ। तो अब बारी भाई हमारी लास्ट आइटम की जो कि है पिज़्ज़ा सैंडविच। पिज़्ज़ा सैंडविच, ये पिज़्ज़ा सैंडविच हमने कस्टमर के सहूलियत के लिए बना के रखा हुआ है, इसे हमने अनपैक करके आप बनाते हो तो अनपैक कर देते हो जी? जी जी, कस्टमर को ज़्यादा वेट करने का, अच्छा वेट ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े, अच्छा इसलिए हम उसे हल्का बना के रखते हैं। बस इसको आपने बनाने में क्या क्या डाला हुआ आपने? तो जो जो लाल अभी ऊपर से दिख रहा है इसके अंदर में, तो कुकम्बर दिख रहा है, ओनियंस हैं और टमाटो वगैरह, अनियन है, टमाटोज हैं, प्याज है, लहसुन है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है। दिन भाई जैसे कि मैंने बताया था पिज़्ज़ा की तरह ही लग रहा है इसका ऊपर का, और वो जैसे जमी हुई थी वो थोड़ी मेल्ट हो गई है चीज़ इसका, ये हमारा कर लिया ठीक है। ये ओरिगेनो है, ये ओरिगेनो अलग तरीके का लग रहा है जी, ये जिंजर गार्लिक ओरिगेनो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी और अच्छी स्मेल आती है हमें, आ रही है मेरे को जिंजर गार्लिक की वजह से, जिंजर गार्लिक की वो आएगी। तो ये हमारा काफ़ी यार गर्म है, एक अच्छी चीज़ के अच्छे से वो बेस की मेल्ट हो गई है, मतलब जैसे मेल्ट हो चुकी है। और ये देखें उसमें भाई आपने अंदर स्टफिंग की हुई है, उसमें डबल स्टफिंग हुई है, एक अंदर हुई है एक इसके ऊपर ऊपर हुई है, डबल स्टफिंग वेजी और वेज मेयो की अंदर स्टफिंग है, और उसके ऊपर हमने फ्रेश कटली वेजेस डाले हैं, उसके ऊपर बहुत सारा चीज़, और फिर हमने इसे कुक किया है। तो भाई अभी जैसे आपने देखा था पहले कैसा था, तभी स्टार्टिंग में जा रहा था, देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है, एक टाइम पे नदीम भाई की आप इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, नदीम भाई का भी और मेरा भी, नदीम भाई की प्रोफाइल पे जाना, उनकी पुरानी फोटो देना भाई के भाई से, आप देख के जाओ अगर आप देखो यहाँ भी भाई से पा रहा है पिज़्ज़ा एकदम मस्त, एकदम नीचे से क्रंची है। अच्छा टेस्ट बहुत सॉफ्ट है, क्या लगा और टेस्ट कैसा लगा भाई? इसका जो टेस्ट है इसके अंदर, जैसे भाई ने अपने होममेड बनाया, अगर होममेड चीज़ होती है ना तो उसका टेस्ट की बात ही अलग होती है भाई, ये जो बाहर से एक अलग बनती है चीज़, जो रेस्टोरेंट वगैरह की चीज़ अलग होती है भाई, ये जो घर की चीज़ें होती है ना इनका टेस्ट अलग आता है, इसके अंदर जो इन्होंने ऑर्गेनो वगैरह डाला है, जो अपने मसाले डाले हैं इसके ऊपर, फिर जो टॉपिंग्स हुई है, फिर कैचअप वगैरह का टेस्ट मिला करके एकदम बढ़िया टेस्ट आ रहा है सुन भाई, टेस्ट कर रहा हूँ भाई तुम्हें बात कर, देखो ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से क्रंची है, ये डबल पॉइंट है इसके अंदर, ये नीचे से क्रंची लग रहा है, ऊपर से बाइट जो आ रही है वो सॉफ्टनेस आ रही है, ऊपर चीज़ ज़्यादा है काफ़ी अच्छे से बेक हो गया है, उसी वजह से सॉफ्ट और क्रंची का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है बेस्ट बेस्ट है, जैसे आप नीचे से बाइट लोगे तो क्रंच बनाएगा, और फिर ऊपर से लोगे तो सॉफ्टनेस आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इतना ही ओवरऑल कहना चाहेंगे कि चौमिन चिली बैठो, अगर आप रानी गार्डन के आसपास कहीं भी हो, गीता कॉलोनी रहते हो या ताज इनक्लेव या आसपास कहीं भी लोग कर लेते हो, तो यहाँ पे फूड पॉइंट भाई के पास ज़रूर विजिट करो, ज़रूर आओ खाने रानी गार्डन, भाई बहुत ऐसे चाइनीज़ फूड बनाते हैं बर्गर से लेके। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इट डजंट मैटर, हम जैसे हमने पहले भी कहा वी आर फूडीज, जहाँ हमें अच्छा लगता है हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, जहाँ टेस्ट होता है वहाँ जाते हैं, हम कुछ नहीं देखते कि भाई ये क्या है, कहाँ पे कैसा है, क्या हमें टेस्ट से मतलब, हमें टेस्ट से मतलब। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटा दबाना ना भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और जरूर विजिट करें फूड पॉइंट को रानी गार्डन, पूरी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।